आज हम पीएन संधि डायोड से और गेट बेसिक लॉजिक गेट आर को प्राप्त करने की बात करेंगे। देखिए हमारे पास में ये, यहाँ देख लीजिए, ये चार पॉसिबल लॉजिक इनपुट है। चार क्यों लिए गए हैं? एक्चुअल क्या है कि जब आप जीरो और वन लेना चाहते हैं तो इन दोनों में अगर आप प्लग लगाएंगे तो ये जीरो जीरो बनेगा, इसमें लगाएंगे तो ये जीरो वन बनेगा, फिर जब आप वन वन लेना चाह रहे हैं तो आपको इसमें लगाना पड़ेगा। इसलिए पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाने के लिए यहाँ पर लॉजिक इनपुट में चार स्विचेस लिए गए हैं। वैसे इनपुट जब भी हम यहाँ पुट करेंगे केवल दो ही करेंगे। और आप मान लीजिए इसे और गेट पर चर्चा करना है तो केवल आप इस पूरे सर्किट को इसके अलावा भूल जाइए, केवल यहाँ से और गेट पर ही हम अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन करेंगे। तो देखिए इस और गेट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ देखिए आप इस और गेट में कि यहाँ ये दो डायोड्स, ये डायोड D1 और ये डायोड D2 एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में लगे हैं, और जो आउटपुट है वो हम लोड रेजिस्टेंस आर, हमारा ये जो लोड रेजिस्टेंस आर है इसके अक्रॉस हम अपना आउटपुट क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे, जो सिग्नल के रूप में हमें यहाँ संकेत के रूप में कि ये आउटपुट में लाइट ग्लो हो रही है नहीं, वन है या जीरो है, अगर जीरो है तो लाइट ग्लो नहीं होगी, अगर वन है तो लाइट ग्लो होगी, तो ये यहाँ से हम इस पर आउटपुट ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों डायोड्स हैं एक दूसरे के समांतर लगे हैं, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम आउटपुट लेंगे और इनपुट हम यहाँ से देंगे जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे यहाँ बन रहे हैं। तो देखिए हम इसको करने का प्रयास करते हैं। देखिए हमने यहाँ पर ये जीरो जीरो लिया है इनपुट में, जीरो और जीरो, और इसको हम यहाँ इनपुट में और गेट के इनपुट में दे रहे हैं, ये जीरो और ये जीरो। अब जब हम यहाँ इसको जीरो जीरो दे रहे हैं तो दोनों जो हमारे स्विच हैं वो तो ग्राउंडेड हो गए, क्योंकि जीरो का मतलब है ग्राउंडेड होना, तो दोनों स्विच हमारे हो गए ग्राउंडेड। अगर हम इसको वन पर रखते हैं तो ये 5 वोल्ट हो जाएगा, तो दोनों स्विच अभी हमारे ग्राउंडेड हैं। तो हमारे जो दोनों डायोड हैं, देखिए ग्राउंडेड होने के कारण हमारे दोनों डायोड कौन सी विनती में चले गए, रिवर्स बायस में। तो रिवर्स बायस में चले गए तो ये काम नहीं करेंगे। तो आउटपुट के अक्रॉस जब हम, जब रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम आउटपुट लेने की कोशिश करेंगे तो देखिए ये हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। देखिए ये हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है रेजिस्टेंस के अक्रॉस, जीरो जीरो वाई इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए थोड़ा सा हम कॉम्बिनेशन बदलने की कोशिश करते हैं कि अब हम यहां से इसको, ये वाला जो हमारा, जो ए हमारा जीरो है ठीक है, हम बी को यहां कर देते हैं वन। तो जैसे ही हम b को 1 करते हैं y इज इक्वल टू 1 हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस स्थिति में अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो ये वाला डायोड D1 है ये तो रिवर्स बायस है, लेकिन जो हमारा डायोड D2 है वो डायोड D2, देखिए डायोड D2 जो हमारा है वो हमारा हो गया है फॉरवर्ड बायस में। ये देखिए डायोड D2 हमारा हो गया फॉरवर्ड बायस, ये 1 मिला इसको, तो डायोड D2 जब फॉरवर्ड बायस में हो गया तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 1, क्योंकि इस स्थिति में रेजिस्टेंस के सिरों पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलने लगा। अब देखिए हमने इसको इस बार क्या कर दिया है, देखिए यहां पर कि ए इज इक्वल टू 1 कर दिया और बी इज इक्वल टू 0 और ये दोनों इनपुट दिए हैं, तो ए इज इक्वल टू 1 करने से क्या हुआ है, हमारा डायोड D1 जो है वो हो गया फॉरवर्ड बायस और डायोड D2 हो गया हमारा रिवर्स बायस। तो अब डायोड D1 वर्क करेगा, D2 नहीं करेगा, तो D1 के कारण क्या होगा, हमारा आउटपुट मिलेगा तो लोड रेजिस्टेंस जो आ रहे हैं उसके अक्रॉस हमें हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा जो हमारे आउटपुट में इंडिकेटर के रूप में हमें दिखाई देगा। अब अगर हम इसी कॉम्बिनेशन को वन वन करते हैं, दोनों इनपुट हम वन कर देते हैं, चलिए ये हमने दोनों इनपुट को वन कर दिया, देखिए अब दोनों इनपुट वन हो गए, ये भी वन ये भी वन, देखिए ये वाला यहाँ से वन हो गया और ये वाला यहाँ से वन हो गया। अब आपके दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस में हो गए D1 और D2, तो जो आउटपुट है उसके अक्रॉस फिर हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा और हमारे इंडिकेटर में वो शो होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि केवल एक कंडीशन ऐसी है जब दोनों हम जीरो जीरो पर रख देते हैं, जब हम ये दोनों जीरो जीरो पर रख देते हैं तब ये दोनों डायोड जो हैं वो रिवर्स बायस हो जाते हैं, और रिवर्स बायस होने के कारण दोनों काम नहीं करते और लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता। इसके अलावा हमें हर बार लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्राप्त होगा। तो ये हमारा और गेट है, हम इसे ऐसे समझ सकते हैं। थैंक्स।